लास्ट टाइम कुछ चीजें जो पढ़ी थी वो आप लोगों ने रिवाइज की थी। सर। तो कुछ पले पड़ी है, थ्योरेटिकल चीजें हैं थोड़ी सी, इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये सब्जेक्ट इसी तरह का है, ठीक है? कुछ डेफिनेशंस और ये छोटे मोटे फार्मूले हैं इसमें, तो इसी तरह मैथमेटिकल पोर्शन आगे एक दो चैप्टर के बाद फिर थोड़ा सा ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करें जब भी 125 अटेंडेंस है हमारे पास। देखें इसमें जो आज हम देखेंगे, लास्ट टाइम हमने जो स्टेटिस्टिक की दो ब्रांचेस पढ़ी थी, एक था हमारे पास जो है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये आप देखें स्टेटिस्टिक, एक है आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक और एक है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में एक हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास आ गया था मीन मीडियन मॉड, ठीक है? और मीन मीडियन मॉड जो है वो ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए हमने जो है लास्ट टाइम देखा था। फिर जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक की दूसरी जो टाइप है वो है मैयर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है? तो आज हम मैयर ऑफ डिस्पर्शन में देखेंगे कि मैयर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे पास आती हैं। तो देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यही है कि ये जो मीन मीडियन मॉड है ये सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, मतलब सेंट्रल वैल्यूज को जो है ये मेजर करते हैं। ऑल्दो द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर क्वाइट यूजफुल, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट समरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग थ्री सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इनकम। तो ये एक्स वाई जी में हमारे पास तीन डेटा सेट गिवन है, ठीक है? द मीन ऑफ द इनकम इन ऑल थ्री डिस्ट्रीब्यूशन इज $20,000, बट द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट सेम। वो कह रहा है कि ये तीन अगर हमारे पास डेटा सेट है, अगर हम इनका मीन लें तो मीन जो है इस स्क्रीन एक्सक्यूज और जी जी मी सर, ये काइंडली अपनी तरफ से जरा जूम कर दें, हम स्क्रीन को छोटी जा रही है। जूम जूम करेंगे तो अच्छा। एक मिनट मैं देखता हूँ यार जी। सर स्क्रीन सही आ रही है, कुछ कुछ इनके नेट का मसला है, लेकिन स्क्रीन एकदम बढ़िया आ रही है। नहीं आपके पास अभी स्क्रीन ठीक आ रही है? ये सही आ रही है सर। सर मेरे पास वाईफाई यूज कर रहे हैं, सर आप सेल को, सर आप सेल को रोटेट मोबाइल सर सर सही आ रही है, मोबाइल पे सही आ रही है। एक बंदा बोले इसको मैं स्क्रीन को रोटेट कर दूं, रोटेट कर के देख लीजिए। एक मिनट अब ठीक है सर, अब ठीक ये अब ठीक ज्यादा ठीक हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यस तो वो उसने तीन डेटा सेट जो है हमें गिवन है, तो वो कहता है मीन सेम है, लेकिन मीन सेम के बाद वो कह रहा है कि ये जो है बेसिकली जो डेटा है वो इसमें कुछ और चीजें हैं जो बेसिकली यहाँ से हमें जो है वो बताएंगी कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। बेसिकली मीन तो सेम आ रहा है लेकिन डेटा डिस्ट्रीब्यूट जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। तो फिर कुछ और चीजें जो है हम इस डेटा से कैलकुलेट करेंगे, लाइक इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? रेंज है, ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम, अदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन।
रेंज रेंज सबसे पहले देखते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। तो जो भी आपको डेटा सेट गिवन हो, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, स्क्रीन नहीं आ रही, नो सर, वो मे बी आपका फोन लॉक हुआ था और आपने अनलॉक किया इसलिए। अच्छा यार, ये भी एक मसले मसाइल है इसमें, एक सेकंड यार। सर आपने जो बुक शेयर किया था वो बच्चों को वो ओपन करना चाहिए, वो ओपन कर लें यार। सर हमने तो ओपन किया है लेकिन बस बच्चों ने तो ओपन नहीं किया वो। हाँ जी, अब शेयर है ये? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा अब देखें कि जो रेंज, पहले रेंज की डेफिनेशन देखते हैं। जो भी आपके पास डेटा सेट होगा उसका आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, जो डेटा सेट में मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो डेटा सेट में मिनिमम वैल्यू होगी उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे तो आपके पास रेंज आएगी। तो देखिए डेटा सेट तो ये इसमें मीन सेम आ रहा था लेकिन इनकी रेंज जो है वो डिफरेंट है क्योंकि तीनों में जो है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट जो है सिमेट्रिकली नहीं था। तो ये आप देखें कि पहली में जो रेंज आई है वो 12,000 है और जी में जो है उसकी रेंज $36,000 है। फिर आपके पास है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। अ जनरल रूल इज नेसेसरी टू सेट आउट फॉर लोकेटिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड द थर्ड क्वार्टाइल इन ए सेट ऑफ डेटा। ठीक है जी, तो ये देखिए दो डेटा सेट इसने दिए हुए हैं, एक आपके पास वन है और एक टू है। तो जो क्यू वन आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो बेसिकली आएगा आपके पास एन प्लस वन बाय फोर, उसकी लोकेशन जो भी बनेगी। ठीक है, रेंज तो निकाल ली पहले डेटा सेट की ना, फिर वो लोकेशन ऑफ क्यू वन फाइंड आउट कर रहा है एन प्लस वन बाई फोर। तो एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं वो डेटा सेट में 11 है, तो 11 प्लस वन बाई फोर तो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड नंबर पे। तो ये सबसे पहले डेटा सेट को आपने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस करना है। जो भी डेटा सेट गिवन होगा, तो ये देखें ये डेटा 515 है, फिर 510 है, फिर 500 है, फिर 490 है, फिर 447 है, फोर। तो सबसे पहले जो भी डेटा सेट होगा उसको आपने जो असेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस करना है। उसके बाद आपने क्यू वन की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो क्यू वन की जो लोकेशन होगी वो बेसिकली एन प्लस वन बाय फोर है। तो एन आपके पास 11 है, तो ये थर्ड, तो दे देखे थर्ड नंबर पे उसने एक एरो लगा के क्यू वन लिखा हुआ है 435। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन डाउनवर्ड से, तो क्यू वन इज इक्वल टू 435। इसी तरह लोकेशन ऑफ क्यू टू निकाली हुई है एन प्लस वन बाई टू, तो एन 11 है, 11 प्लस वन बाई टू तो ये 6 आएगा। तो आप डेटा सेट में देखें क्यू टू की जो लोकेशन है 6 नंबर पे, तो ये 445 वैल्यू है। इसी तरह लोकेशन ऑफ क्यू थ्री, क्यू थ्री का जो फार्मूला है 3n प्लस वन बाई फोर, तो ये आपके पास 3n प्लस वन बाई फोर तो ये 9 आएगा। तो 9 नंबर पे उसने देखें 500 जो वैल्यू है उस पर क्यू थ्री की लोकेशन मार्क की हुई है। ठीक है, तो 9th ऑब्जर्वेशन। तो इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है उसका फार्मूला होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन। ठीक है, तो ये 500 माइनस 435, तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास आएगी 65। ठीक है जी, अब डेटा सेट टू पे आ जाएं। उसमें जो एंट्रीज थी वो तो आपको पता है 11 थी, लेकिन इसमें जो एंट्रीज हैं अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज है। मतलब है कि
इवन नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। तो इसमें हम जो है वो Q1 और Q2 की लोकेशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे या इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका देखते हैं, सबसे पहले वो रेंज फाइंड आउट की है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जी तो थी टॉप पे 450 और डाउनवर्ड जो है वो सबसे एंड पे 420 थी, तो रेंज आपके पास आ गई 30। अब लोकेशन ऑफ Q1 n+1/4, अब n+1/4 करेंगे तो ये आपके पास क्या आता है 2.25, सेकंड प्लस 0.25 फ्रॉम 425 टू 432, ठीक है। मतलब है कि आप देखें कि जो सेकंड से आगे ऊपर जा रहा है 425 से 432, 0.25 है ना, तो 425 और 0.25 ऊपर जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 432, ठीक है। तो सेकंड आपके पास 428 है प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 432 माइनस 428, बात समझ आई इसकी। ये जो 2.25 डिजिट आया ना, 2.25 जो आपके पास डिजिट आया ना, तो 2 को ब्रेक कर देंगे 2 प्लस आगे जो फ्रैक्शन पॉइंट के बाद जो वैल्यू बची है वो आपके पास 0.25 है, तो 0.25 फ्रॉम, अब आपके पास सेकंड एंट्री क्या थी डाउनवर्ड 428, तो 428 के बाद जो 0.25 इसमें करेंगे तो ऊपर वाली एंट्री जो है 432, तो 432 और उसको माइनस कर देंगे 428 में। इसका ये फार्मूला इसने बताया हुआ कि Q1 की वैल्यू आप इस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो ये Q1 आ जाएगा 429। इसी तरह लोकेशन ऑफ Q2 n+1/2, तो ये आपके पास आया 4.5। अब 4 प्लस 0.5 है, अब जो पहला डिजिट है 4 है, तो इसका मतलब है कि 4 वाली एंट्री आपने देखनी है और 0.5 ऊपर जाना है तो आपकी एंट्री ऊपर वाली आ जाएगी 5th, डाउनवर्ड से देखना है तो 5th एंट्री आपके पास क्या थी, ठीक है, 4 एंट्री में से 5th एंट्री को माइनस करेंगे तो ये 440 माइनस 438 बन जाएगा और 0.05 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली उसने Q3 की वैल्यू निकाली हुई है 6, तो 6 वाली एंट्री और फिर आगे 0.75 करेंगे तो 7 वाली एंट्री आ जाएगी, तो 6 माइनस 7 वाली एंट्री करेंगे और बाहर फैक्टर 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर इसके बाद Q3 आ जाएगा, इस तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास आ जाएगी Q3 माइनस Q1, ठीक है जी। ये जो है आपके पास था बेसिकली, अगर आपके पास डेटा था और डेटा जो ग्रुप फॉर्म में नहीं था। नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास ग्रुप फॉर्म में डेटा है तो उसका आपने Q3 माइनस Q1 मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये नीचे उसने बताया हुआ है। बेसिकली वो Q1 निकालता है, वही Q1 का फार्मूला है n+1/4, तो n+1/4 करेंगे, ये डेटा नीचे टेबल गिवन है, एन आपके पास देखिए फ्रीक्वेंसी में एन है 157, तो 157 प्लस 1/4 तो ये 39.5 आ जाएगा। तो आप देखें कि 39.5 जो है एक के कौन सी क्लास बनेगी, देखे 39 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस रे में आ रही है, 91 के बाद ये 45 है ना, तो ये 44 तो 44 वाली क्लास में आएगी 8.4 से 8.6, ठीक है, तो ये वो क्लास बनेगी। तो इस क्लास को वो यूज करते हुए वो जो है यहाँ से Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करता है, तो 8.4 प्लस 8.4 से 8.6 के दरमियान जो क्लास इंटरवल है वो 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय Q1 जो है आपके पास वो आया है, जो मतलब वो n+1/2 करे तो 39.5 माइनस 21 डिवाइड बाय 3, ये वही है जो इस तरह मीडियन नहीं फाइंड आउट करते हैं, उससे ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
और फिर फ्रीक्वेंसी, ये वही फार्मूला इसने यूज किया हुआ है। ये देखें ऊपर वाली उसने बात लिखी हुई है, फॉर ग्रुप डेटा द सेम रूल एज गिवन फॉर मीडियन मे बी यूज टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3। तो जिस तरह आपने मीडियन पहले क्लास बनाते हैं उसमें वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें आपके पास n+1/4 करते हैं, तो जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है तो उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, वो मीडियन क्लास बना के वहां से जो एक देख लेते हैं कि इस क्लास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ऊपर वाली वैल्यू हो, फिर जो है वो उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वो वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये Q1 आया है, फिर 3n/4 और ये सारा कर लेंगे इससे ही। इसमें इशू तो नहीं है कोई? नो सर। अच्छा आगे जो है देखिए, मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन इज अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यूज, यूजुअली मीन। If x1, x2, x3 and xn are the observation, then mean deviation is this. Mean deviation basically क्या है? जो आपके पास डेटा है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है, ये बेसिकली मीन डेविएशन हमें बताती है। तो इसकी एग्जाम्पल देखें, जैसे इसका फार्मूला है समिशन xi-x bar, x bar जो है बेसिकली मीन है, x जो है xi बेसिकली जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 गिवन जो होती हैं, डिवाइड बाय n करेंगे तो ये आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगी। 6 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 50 55 60 70 75 80, कैलकुलेट द मीन डेविएशन। तो सबसे पहले उसने x बार निकाला है, ठीक है, तो x बार निकालने के बाद ये नीचे टेबल देखे 3.9, यहां से आपको समझ आ जाएगा x बार कितना आया इसका, 65 है x बार। मतलब x बार कैसे निकाला है, उनको ऐड किया है सारे नंबर्स को और उसको 6 पे डिवाइड कर दिया है। 6 स्टूडेंट है ना, 50 55 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80, इसको इसने किया है बेसिकली एड और उस पर डिवाइड कर दिया है 6 पे, तो 65 एक्स बार आ गया। अब टेबल पे आ जाएं तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 50 माइनस 65 कितना आ जाएगा, माइनस 15। इसी तरह जो है वो 60 माइनस 55 माइनस 10 60 माइनस 65 माइनस 5, तो ये सारा उसने डिफरेंस लिया है। फिर आगे जो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज ने ले लिए, ठीक है जी, तो नेगेटिव साइन को उसने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि फार्मूला में जो है वो बेसिकली इट इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है, तो उसने जो है बेसिकली सम अप कर दिया फिर सबको, तो 60 आ गया, ठीक है। 60 के बाद उसने अगेन जो है n पे डिवाइड कर दिया है, तो 10, तो मीन डेविएशन आपके पास जो है 10 आ जाएगी। नेक्स्ट इज द वेरिएंस। वेरिएंस इज द एवरेज और मीन ऑफ द स्क्वेयर डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है जी। तो उसमें आपने जो है वो बेसिकली x माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला था और सम करके n पे डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो एक्स आई माइनस एक्स बार उसको स्क्वेयर करेंगे पहले और फिर आप सम निकालेंगे और उसको n पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास वेरियंस आ जाएगा। वेरियंस का फार्मूला है, इसने यहाँ पे कोई नहीं निकाला हुआ। तो ये देखिए 15 है जैसे, तो 15 का अगला एक कॉलम बनाएंगे तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, टेन का स्क्वायर, फाइव का, जितने भी आते हैं ये, इनका स्क्वायर लेंगे
एन को टोटल सम अप करेंगे और फिर जो है वो एन पे डिफाइन करेंगे, एन पे डिवाइड इसको कर देंगे, तो ये वेरियंस आपके पास आ जाएगी. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन देखें, अगर आप वेरियंस का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी. जो वेरियंस आपने कैलकुलेट किया है, वेरियंस का फार्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार समीशन डिवाइड बाय एन, इसका आप जो है वो ले लें, कैलकुलेट करें और उसके रूट ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. और अगर आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो, वेरियंस या फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वेरियंस? वो देखें, सेकंड पे जो फार्मूला लिखा हुआ है ये समीशन एफ आई, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आप अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो उस केस में आपके पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई बार होल स्केयर डिवाइड बाई एन, तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा. फार्मिंग कॉस्ट पर ईयर ऑफ सेवन फार्मर्स इन अ थाई विलेज आर शोन इन टेबल 3.10, कैलकुलेट द मीन डेविएशन, वेरियंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. कॉस्ट है एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार गिवन है 9914, एन भी गिवन है, तो ये देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार निकालता है, फिर जो है वो स्केयर उनको करता है, तो ये सारे फार्मूलाज में पुट करता है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया. ठीक है जी, मीन सॉरी मीन डेविएशन, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया. अगले टेबल में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ग्रुप डेटा के लिए उसने कैलकुलेट किया. और देखें ग्रुप डेटा के लिए जो है उसने जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने जो है वो क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है एफ आई एम आई और एफ आई एम आई स्केयर, ठीक है, और ये आपने फार्मूलाज के लिए में पुट करना है. ये ऊपर फार्मूले लिखे हुए हैं वेरियंस का, जो ऊपर उसने डिराइव किए हैं, तो वही फार्मूले हैं बेसिकली, उन्हीं में ये वैल्यूज पुट करता है. कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस का फार्मूला है 100 एस डिवाइड बाय एक्स बार, तो ये एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स बार जो है वो मीन है, तो ये कैलकुलेट करके कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी और इनके फार्मूले वगैरह, ये थोड़ा सा इनको देख लें. अभी हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है. स्क्यूनेस और ये आगे कुछ और भी डेफिनेशंस वगैरह हैं. इसकी एक्सरसाइज में जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप जरा सॉल्व करेंगे, ये जो जो डेफिनेशंस यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, तो ये आप जो जो पार्ट्स हैं ये जरा सॉल्व करेंगे इनके, ठीक है जी? ओके सर. ग्रुप द डेटा इन सूटेबल क्लासेस, ये सारी चीजें. अभी मैं आपके साथ दूसरी नोट्स शेयर करता हूँ.
ओके सर। हाँ जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ये है रैंडम, पहले कुछ चीजें देखते हैं उसके बाद हम जो है प्रोबेबिलिटी को फिर डिफाइन करेंगे क्या है इसमें। सबसे पहले जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है? द टर्म एक्सपेरिमेंट मींस अ प्लेन्ड एक्टिविटी और प्रोसेस हूज रिजल्ट yield a set of data. A single performance of an experiment is called a trial. The result obtained from an experiment or trial is called an outcome. ठीक है जी, experiment, random experiment को आप define करते थे कि एक activity है, planned activity है जिससे आपको जो है वो रिजल्ट मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉइन है उसको टॉस करता हूँ, तो ये टॉसिंग कॉइन जो है मेरा एक्सपेरिमेंट है। अब इससे आउटकम क्या आएगी, या हेड आएगा या टेल आएगी? तो ये जो हेड आएगा या टेल आएगी ये इसकी क्या होंगी, आउटकम होंगी। ठीक है, इसी तरह जो है वो एक अगर डाइस है, ठीक है, throwing a dice, लूडो का छक्का नहीं होता, लूडो खेली है ना कभी? Yes sir। जी सर, जी जी सर। Yes sir। हाँ, तो इसमें आप एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी में सारी एग्जाम्पल कोई भी बुक उठाएंगे तो ये जर्नल एग्जाम्पल यही मिलती हैं, throwing a dice, tossing a coin, और डेक ऑफ कार्ड है, ताश के पत्ते होते हैं उसमें कार्ड्स होते हैं, अगर कोई कार्ड आप जो है वो उसमें से वो कार्ड कार्ड जो है उसमें से रिमूव करते हैं, ठीक है, तो वो कार्ड किस नंबर का होगा, तो इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो मिलेंगी आपको। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं कि जिसमें आपकी कोई ऐसी जो प्लेन एक्टिविटी हो, प्रोसेस हो, जिससे आपको कोई डेटा जो है वो सेट ऑफ डेटा मिले, तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में नीचे कह रहा है, एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स इवन दो इट इज रिपीटेड एट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशियली सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो जिसमें आपको वो डिफरेंट रिजल्ट्स मिले, ये नहीं कि मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास वो हेड ही आ रहा है, तो फिर तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट ना हुआ ना। ठीक है, आपने रैंडमली उसको थ्रो करना है, ठीक है, तो जिसमें आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिले, ठीक है, तो इसे को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नीचे वो कह रहा है द टॉसिंग ऑफ ए फेयर कॉइन, द थ्रोइंग ऑफ ए बैलेंस्ड डाइस, drawing of a card from a well shuffled deck of 52 playing cards, selecting a sample or example of random experiments. ठीक है जी, तो ये इसको कहते हैं, तो random experiments को जो result आएंगे वो कहते हैं उसको outcomes। ये terminology clear है जी? जी सर। अच्छा, आगे definition है sample space की। What is sample space? A set consisting of all possible outcomes that can result from a random experiment is defined to be sample space for the experiment and it is denoted by S. So sample space basically kya hai? All possible outcomes of a random experiment. All possible outcome of a random experiment. तो अगर मैं coin को toss करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी sample space क्या बनेगी? Sir, two. नहीं नहीं, two तो मेरे पास आता नहीं, two तो आते ही नहीं है।
सर हेड टेल हेड टेल एक दफा मैंने थ्रो किया हेड आया फिर थ्रो किया हेड आया मैं इसको लार्ज नंबर ऑफ इसको मैं रिपीट करूंगा ठीक है एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट करते जाऊंगा मैं तो कभी हेड आएगी कभी टेल आएगी तो सैंपल स्पेस में आपके पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा एक हेड आएगी और एक टेल आएगी तो सैंपल स्पेस में जो आपके पास सेट बना है एच और टी तो ये नीचे देखें फॉर इंस्टेंट एक्सपेरिमेंट इसी अंडरलाइन के नीचे लिखा हुआ फॉर इंस्टेंट द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन रिजल्ट्स इन आइदर ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स अ हेड एच से डिनोट किया हुआ एंड अ टेल लैंडिंग ऑन इट्स एज और रोलिंग अवे इट्स नॉट कंसिडर ठीक है जी The sample space for this experiment may be expressed in the set as S is equal to H or T आ जाएंगे आपके पास अच्छा अगर आप जो है दो coin toss करें तो the sample space of tossing two coins मतलब मेरे पास दो coin है और मैं उनको दोनों को at the same time toss करूंगा तो मेरे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं दोनों को टॉस किया दोनों हेड हेड टेल हाँ जी दोनों को मैंने टॉस किया तो हेड हेड आ जाएगा या तो दोनों पे या दोनों पे जो है वो क्या आ जाएगी टेल टेल या एक पे हेड दूसरे पे टेल या एक पे टेल दूसरे पे हेड तो ये देखिए उसने लिखा हुआ सैंपल स्पेस में हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल ठीक है जी तो इसको आप जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं मसलन एक सिंगल कॉइन को अगर आप टॉस करें तो उसमें जो आउटकम्स आती हैं वो हेड टेल आती है अब अगर दो कॉइन है तो दो कॉइन की फाइंड आउट करनी है तो आप ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ले लें मतलब हेड टेल का सेट जो है जो दो इसमें एंट्रीज हैं इसी को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें हेड टेल से तो जिस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेते हैं फर्स्ट एंट्री अगले सेट के सारे एंट्रीज से मल्टीप्लाई होती है फिर पहले सेट की नेक्स्ट एंट्री दूसरे सेट के तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होती है तो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप देखें कि आपके पास वो ऊपर वाला सेट बन जाएगा हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल समझ आ गई बात की यस सर अच्छा फिर वो एग्जांपल देता है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट उसने लिया हुआ है ए का ए में कितनी एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6 और ए का अगर आप ए के साथ जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो 1 अगले सेट अगला भी सेट 1 है तो 1 1 के साथ होगा फिर 1 2 के साथ फिर 1 3 के साथ फिर 1 4 के साथ फिर 1 5 के साथ 1 6 के साथ फिर 2 जो है 2 1 के साथ 2 2 के साथ 2 3 के साथ 2 4 के साथ तो ये आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो सैंपल स्पेस बनी है ये किस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बन सकती है सर एक डाइस को दो बार रोल किया गया है हाँ अगर आपके पास दो डाइस हैं और एट द सेम टाइम उसको रोल कर रहे हैं दो बार रोल वही बात है कि ये दो बार रोल करें एक डाइस को या दो डाइस को एक एट द सेम टाइम रोल करें ठीक है तो ये आपके पास जो है सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनेंगे 36 एलिमेंट बनेंगे 36 एलिमेंट बनेंगे तो ये आपके पास सैंपल स्पेस हो जाएगी तो अभी हमने दो चीजें डिफाइन की हैं एक हमने डिफाइन किया रैंडम एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट इज अ प्लैंड एक्टिविटी दैट यील्ड्स अ सेट ऑफ डेटा और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आपको डिफरेंट आउटकम दे एक ही आउटकम ना दे रहा हो जब आप उसको लार्ज नंबर ऑफ उसको रिपीट करें ठीक है तो लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करें तो आपको जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स दे तो उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट फिर हमने डिफाइन किया है सैंपल स्पेस को सैंपल स्पेस के बाद आ जाएगा इवेंट इवेंट क्या होता है An event is an individual outcome or any number of outcomes of a random experiment or a trial. In set terminology,
any subset of a sample space of the experiment is called the event. तो इवेंट से क्या मुराद है? हाँ जी सर, जब हम कोई टास्क करेंगे मतलब इंडिविजुअल आउटकम जी, जैसे उसमें अभी जैसे सैंपल स्पेस में सिर्फ हेड था तो वो हमारे पास एक इवेंट है, कोई भी इंडिविजुअल आउटकम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ जी के अक्रेंस ऑफ सिक्स व्हेन डाइस इज थ्रोन, तो मैं एक पर्टिकुलर आउटकम की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब एक पर्टिकुलर आउट की एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर आउटकम की बात करूंगा तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? इवेंट बन जाएगा हमारा। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मैं कहता हूँ ये नीचे इसने एग्जांपल लिखी है, फॉर इंस्टेंस द अक्रेंस ऑफ अ सिक्स व्हेन डाइस इज थ्रोन इज अ सिंपल इवेंट, वाइल द अक्रेंस ऑफ सम ऑफ 10 विद द पेयर ऑफ डाइस इज ए कंपाउंड इवेंट। ये भी एक इवेंट है। मैं कहता हूँ कि इसमें जो है जो आपने एक डाइस थ्रो किया है, तो मतलब एक डाइस जब आपने थ्रो किया है तो इसमें इवन नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं ये कितनी है इसमें? तीन। तीन है, तो ये एक इवन नंबर ऑफ आउटकम्स में इस पे जो कंडीशन है ये बेसिकली एक इवेंट बन जाएगा। और इसी तरह मैं कहूँ कि ऑड नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है सैंपल स्पेस, तो वो भी तीन है। तो बेसिकली ये जो इवेंट है ये एक्चुअली क्या है, जो सैंपल स्पेस होगा इसका क्या बनेगा? आउटकम बनेगा, ठीक है, उसका सबसेट बनेगा। इवेंट इज ए, वो ऊपर कह रहा है इन सेट टर्मिनोलॉजी एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट, ठीक है जी। तो आपके पास अगर जो है वो एक सैंपल स्पेस है और उसमें ए बी सी एंट्रीज हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? थैंक यू। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस एस उसमें तीन एलिमेंट है ए बी सी आउटकम्स तीन है तो सबसेट कितने बनेंगे? टू पावर एन, तो एट बनेंगे सर। टू पावर जो भी एंट्रीज होंगी तो एट सबसेट बनेंगे। तो उसमें देखो उसने ऊपर एट सबसेट लिखे हुए, एक फाइव, एक ए बी सी सिंगलटन, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी और ये ए बी सी, तो ये सारे इसके सबसेट हैं, ठीक है जी। तो ईच ऑफ दीज सबसेट इज एन इवेंट। तो ये देखें एक ए बी सी ये इटसेल्फ जो है ये भी क्या है, हमारे पास एक इवेंट है। तो सैंपल स्पेस इटसेल्फ जो है एज एन इवेंट एक्ट करती है, ठीक है जी। सैंपल स्पेस इटसेल्फ भी जो है वो एज एन इवेंट एक्ट करती है, और एम्प्टी सेट भी जो है ये भी इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट इसको कहते हैं। इसका क्या मतलब है? The empty set is also an event, sometimes known as impossible event, because it can never occur. मसलन सर, पर जब हम डाइस को रोल करें तो सेवन कभी भी नहीं आ सकता। हाँ जी, सेवन मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास वो सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं आपको कहता हूँ कि इसमें मल्टीपल ऑफ सेवन, सेवन या मल्टीपल ऑफ सेवन, तो इसका इवेंट बनाए तो ये तो कोई एंट्री है ही नहीं, तो ये जो सेट बनेगा ये एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। या मैं आपको कहता हूँ मल्टीपल ऑफ एट, ये तो सैंपल स्पेस हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो इसमें तो कोई इस तरह का एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर जो इससे इवेंट जनरेट होगा वो एम्प्टी होगा। सर, हमारे पास सैंपल स्पेस किस तरह इवेंट के तौर पे एक्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे इवेंट्स एट अ टाइम तो नहीं ना आ सकते जो सैंपल स्पेस में सारे के सारे होंगे।
आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? उसके जितने भी सबसेट, सबसेट में तो खुद सेट भी आ सकता है ना? यस सर, सबसेट में वो खुद सेट भी आ सकता है, तो वो फिर एज ए इवेंट भी एक्ट करती है और इसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है। ठीक है जी, ये नीचे लिखा हुआ है दी सबसेट एबीसी इज सैंपल स्पेस इटसेल्फ एंड इज आल्सो एन इवेंट, इट ऑलवेज अकर एंड इज नोन एज द सर्टेन और श्योर इवेंट, इसको कहते हैं। अच्छा आगे आ जाए, डिफाइन करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है, टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ ए सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। क्या मतलब है कि दैट इज दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब है कि अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी टॉस ए कॉइन वी गेट आइदर अ हेड और अ टेल बट नॉट बोथ, सो द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर देयरफॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। व्हेन अ डाई इज रोल्ड द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड we get one and only one of the six possible outcomes 1 2 3 4 5 6, therefore to ek dafa ek dice ko toss karenge to aapke paas kya aa jayega outcome, 1 aayega 2 aayega 3 aayega 4 aayega 5 aayega 6 aayega, to ye aapke paas mutually exclusive events hain। theek hai ji, इसके बाद आपके पास आ जाएगा ये नीचे लिखा हुआ है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इफ द टू इवेंट्स कैन अकर एट द सेम टाइम दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। For example, if we draw a card from a ordinary deck of 52 playing cards, it can be both a king and a diamond. Therefore, king and diamonds are not mutually exclusive. Similarly, the inflation entry and recession are not mutually exclusive events. ठीक है जी? तो अगर उनमें जो है पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे। ये आगे जब हम प्रोबेबिलिटी फिर एग्जांपल्स के साथ करेंगे तो ये आपको चीजें फिर आएंगी समझ। एग्जॉस्टिव इवेंट और श्योर इवेंट, इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज द एंटायर सैंपल स्पेस। तो ऐसे इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर आप उनका जो है वो यूनियन लेने से आपके पास सैंपल स्पेस बनती है तो वो इवेंट्स क्या कहलाते हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव और श्योर इवेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉइन को टॉस करें, एक हेड आता है और एक बी है, दूसरा इवेंट टेल, तो अगर आप मैं इनको यूनियन ले लूँ तो सैंपल स्पेस बनेगी। इसी तरह अगर जो है वो एक डाइस है उसको आप थ्रो करते हैं तो उसमें जो है वो वन एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, सॉरी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर। लो सर, नो सर।
हाँ जी अब आ गए। यस सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के यूनियन से जो अगर सैम आज आपके पास आ जाते हैं ना सैंपल स्पेस तो ये श्योर इवेंट होगा, ये एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक इवेंट है वन, दूसरा इवेंट है टू, ठीक है, तीसरा इवेंट है थ्री इन केस ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, तो क्या इनके यूनियन से बनता है सैंपल स्पेस? नहीं बनता, हाँ थ्री वैल्यूज आएंगी तो ये फिर एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होंगे, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन उससे सैंपल स्पेस नहीं बन रही, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन इवेंट इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर, मतलब है कि हर इवेंट के अकर होने का चांस इक्वल है, ये नहीं कि एक का चांस ज्यादा है और दूसरे का चांस कम है। मसलन इन अदर वर्ड्स ईच इवेंट शुड अकर इन इक्वल नंबर इन ए रिपीटेड ट्रायल्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड द हेड इज एज लाइकली टू अपीयर एज द टेल, ठीक है। तो अब अगर आप फेयर कॉइन एक टॉस करें तो ये नहीं है कि जो है वो हेड आने के चांसेस आपके कहते हैं कि ज्यादा है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें दोनों हर आउटकम्स आने के चांसेस इक्वल होते हैं उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब टेल भी आने के चांसेस हैं, हेड भी आने के उतनी चांसेस हैं, ठीक है जी। सो द पोर्शन ऑफ टाइम्स ईच साइड इज एक्सपेक्टेड टू अपीयर इज हाफ, ठीक है। इवेंट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है नीचे, एक इवेंट ए, तो इवेंट आपको पता है ये सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, एंड इवेंट इज इम्पॉसिबल, तो कौन सा इवेंट इम्पॉसिबल होता है, ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, एंड इवेंट इज श्योर, श्योर इवेंट कौन सा है? हाँ जी एन इवेंट इज श्योर आर सर्टन इवेंट, तो ये हमें पता है कि सैंपल स्पेस अगर इटसेल्फ इवेंट के तौर पे एक्ट करेगी तो उसको हम कहेंगे कि सर्टन इवेंट है, आर श्योर इवेंट है, नॉट ए, तो एस माइनस ए, ए बार को कहते हैं नॉट ए, इवेंट ए डज नॉट अकर, जो अकर नहीं होगा, ठीक है। इवेंट ए और इवेंट ए और इवेंट ए बार, ए और ए बार, तो आर का वर्ड जहां पे यूज होगा वहां पे यूनियन, ये यूनियन की नोटेशन यूज होगी, और एंड जहां पे होगा वहां पे इंटरसेक्शन का वर्ड, इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ए यूनियन ए बार, ये आपको पता है सेट की प्रॉपर्टी भी है, ये सैंपल स्पेस की इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट। इवेंट ए और इवेंट बी, तो ए यूनियन बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी, ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी ऊपर इसकी डेफिनेशन पे रही है, जिनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होता है। इवेंट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, तो इनका पता है इनके यूनियन से आपको जो है वो सैंपल स्पेस आपके पास जो है वो बनती है, ठीक है जी। इवेंट ए अकर्स व्हेन बी, ए अकर्स तो ए कंटेन्स इन बी, ये आगे चीजें आएंगी थोड़ी सी, इसको हम देखते हैं। आगे परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है, देखें जी परमुटेशन जो है the rule of multiplication can be readily extended
to compound experiments consisting of any number of experiments performed in a given sequence. मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक खास तरतीब से उसको परफॉर्म कर रहे हैं. अब अगर एक्सपेरिमेंट्स में आपके पास जो है वो उसमें जो है वो एंट्रीज जो हैं उसकी आउटकम्स जो हैं वो सैम्पल स्पेस जिससे आप बनाना चाह रहे हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर मतलब जो है वो एंट्रीज जो हैं वो 5 हैं सैम्पल स्पेस में, और ऐसी मैं कंडीशन लगा दूं कि आप इसको जो है वो शफल करें और पहले जो फर्स्ट टू एंट्रीज हैं उनका सम जो है वो इतना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह की मैं कंडीशन लगाऊं तो इस तरह की फिर आउटकम्स जो है वो कैलकुलेट करना कि कितनी आउटकम्स आएंगी, तो फिर जो है वो हम रैंडमली इस तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर हम जो है वो परमिटेशन जो है ये रूल यूज करेंगे. इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए रूल ऑफ परमिटेशन लिखा हुआ है, परमिटेशन इज एनी ऑर्डर्ड सबसेट फ्रॉम ए सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. The permutation is any ordered subset from a set of n distinct object. तो अगर आपके पास sample space है और उस sample space से आप जो है कोई events create करना चाहते हैं या उसके subset बनाना चाहते हैं और उस पर आप मजीद कोई condition impose करना चाहते हैं कि इसमें ये order हो, तो उसके लिए जो rule हम use करेंगे वो permutation का rule use करेंगे, ठीक है. जिसको एक example से हम जो है वो NPR, n जो है वो सेट के एलिमेंट्स हैं और r जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिनको आप जो है कह रहे हैं कि इसके सबसेट में r ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए और उनका जो है सीक्वेंस ये होना चाहिए, ठीक है. तो वो ये बेसिकली आपके पास आएगा. एक मिनट ये स्क्रीन जरा चेक लीजिए दोबारा. ठीक है जी, तो एन पी आर जो है इसका जो फार्मूला होता है वो एफ डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है जी. और ऊपर वाले में आपके पास जो है वो एक खास, जब आपके पास एक कोई तरतीब डिफाइन होगी, ठीक है, ऑर्डर डिफाइन होगा तो फिर आप परमुटेशन यूज करेंगे. लेकिन अगर आपके पास जो है वो कोई खास किस्म की ऑर्डर डिफाइन नहीं है तो फिर आप उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, NCR. A combination is any subset of R object selected without regard to their order from a set of n distinct object. तो इसका फार्मूला है NCR. और NCR का फार्मूला आपको पता होता है कि क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है. तो ये है, अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है जी. हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन अ सैंपल स्पेस when 3 officers, president, secretary and treasurer are to be chosen. ठीक है, 4 members हैं तो sample space में कितने points होंगे. अगर आप जो है वो इसमें 3 जो हैं वो लाजमी president, secretary और treasurer को रखेंगे जी.
तो देखें इसमें एक ऑर्डर उसने बताया हुआ है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। तो एक तो ऑर्डर आपके पास हो गया, दूसरा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? चार। फोर है। फोर। चार है। तो और जो सिलेक्ट उसमें हमने किए जिस ऑर्डर के लिए, मतलब उसमें ये तीन होने चाहिए, वो कितने हैं? तीन। तीन। तो इसका मतलब है हम परम्यूटेशन यूज करेंगे 4p3। और इसका फार्मूला कितना है हमारे पास? फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस में आपके पास कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं? उनको कहते हैं सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। तो सैंपल पॉइंट्स आपके पास कितने बनेंगे? ट्वेंटी फोर। ठीक है, इसको समझने के लिए आगे एक ट्री डायग्राम देखें आप। देखिए अगर हम पहले पे प्रेसिडेंट को रखते हैं तो सेक्रेटरी जो है बी सी जे डी, मतलब जो ग्रुप बनाया है वो चार लोगों का है, ए बी सी डी। और इस चार ग्रुप में ए बी सी डी में तीन लोगों को हमने रखना है, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर। ठीक है, अगर हम पहले पे प्रेसिडेंट रखते हैं और सेक्रेटरी या दूसरे पे आ सकता है या तीसरे पे आ सकता है या चौथे पे आ सकता है। तो अगर हम सेक्रेटरी को बी पोजीशन पर रखते हैं तो ट्रेजर फिर किस पोजीशन पे आएगा? सी पोजीशन में आएगा, और जो उसका फोर्थ मेंबर है वो डी पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए बी सी। ठीक है जी, और डी पे जो है वो फोर्थ मेंबर जो भी है उससे हमारा। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ए बी, अगर हम डी पे रखते हैं तो एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि ए बी डी, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और आखिरी पोजीशन। अच्छा, एक तो ये बनेगा, दूसरा ये कि अगर आप जो है वो सेक्रेटरी को सी पोजीशन पे ले जाते हैं तो फिर ट्रेजर किस किस पोजीशन पे आ सकता है? बी और डी पोजीशन पे आ सकते हैं ना, क्योंकि ए और सी पे तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं। तो ए सी और बी एक बनेगा, फिर ए सी और डी। तो देखें ये ट्री डायग्राम अगर आप देखें तो ये सारे, इनको अगर आप काउंट करें इस पोजीशन पे रखते रखते तो ये 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशन या डिफरेंट जो है वो सैंपल पॉइंट्स आपके पास बनेंगे। तो अब आप इसको एग्जाम्पल पढ़े, एक क्लब कंसिस्ट ऑफ फोर मेंबर्स, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन अ सैंपल स्पेस व्हेन थ्री ऑफिसर्स आर टू बी चूजन। ठीक है जी, थ्री अगली एग्जाम्पल से, अ थ्री पर्सन कमेटी इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फोर पर्सन, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। तो इसमें अब आप देखें कि कोई तरतीब उसने नहीं बताई हुई, थ्री पर्सन कमेटी आपने बनानी है, चार लोग हैं, तो चार लोगों को आप कितने मुख्तलिफ तरीकों से इसकी कमेटी बना सकते हैं, कितने तरीके हैं? मसलन देखे ना, ए बी सी डी है, चार लोग हैं, इसमें से तीन तीन लोगों की कमेटी बनानी है, तो कितने पॉसिबल हमारे पास आ सकते हैं आउटकम? एक कमेटी बनेगी ए बी सी की, एक ए बी डी की कर लें, इसी तरह एक बी सी डी की कर लें, तो ठीक है, एक जो है एक और जो है वो आपके पास बन जाएगी। ठीक है, सी डी और ए, तो ये चार आपके पास जो है, तो इसमें ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो सिंस द ऑर्डर इन विच थ्री पर्सन आर चूजन इज अनइम्पॉर्टेंट, सो इट इज देयर फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कम्बिनेशन। तो ये इसमें हम कम्बिनेशन यूज करेंगे एन आर, तो एन आर फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, तो फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल, इसमें कम्बिनेशन। तो जब ऑर्डर होगा
ठीक है, तो उसमें हम जो है वो परमुटेशन यूज करेंगे। अगली एग्जांपल देखें, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन अ सैंपल स्पेस व्हेन अ पर्सन ड्रॉज ए हैंड ऑफ फाइव कार्ड्स। फाइव कार्ड्स वो ड्रा करता है फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। उसमें से कितने सैंपल पॉइंट्स आ सकते हैं? देखें इसमें भी कोई तरतीब नहीं है, तो ये आप जो है कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला यूज करता है, और ये एन 52 है और आर जो है जो सिलेक्ट कर रहा है वो 5 है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन इसने निकाला है, तो ये आ गया। अब डेफिनेशन आई है प्रोबेबिलिटी की, ये कुछ चीजें जो यूज होंगी आगे। अभी कितना टाइम है? सवा 12 हुए। अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने अभी तक क्विज भी नहीं दिया मुझे, कोई क्विज? तो आज क्विज रख लें। कल रख लें सर, आज तो सर आज रख लें, नेक्स्ट टाइम अगर रखना तो कल रख लें। नहीं क्विज आप किस तरह देंगे मुझे सर? जैसे ले टीम, वो तो जहरी बात है कि टीम पे आप देंगे। चले फिर वो टीम पे मैं उसको देते रहे हैं सर। हम्म, पेपर हुए हैं सर। हाँ उसी तरह पेपर हुए हैं, ग्रुप नंबर हाल में बनाते हैं सही, और जो है वो सॉल्यूशन सही मरहल में कोई कहीं से निकालते हैं, और सबका सेम सॉल्यूशन होता है, कोई एक लाइन एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं होता। सर जब क्वेश्चन ही सेम होता तो फिर यकीनन सॉल्यूशन तो सबने सेम होता। नहीं तो जो आप फिजिकली आपके देते हैं एग्जाम वो भी क्वेश्चन उसमें सेम ही होते हैं, तो फिर उसमें आंसर डिफरेंट क्यों होते हैं? प्रेशर होता है उसमें, उसमें प्रेशर होता है। जी सर एक्चुअली मैं होता है ना मतलब सर इधर असल ये जो पेपर होते हैं ना ऑनलाइन सर घर बैठ के देते हैं ना, तो इस वजह से सर यहाँ पर टेंशन नहीं होती, तो वहाँ पर सर थोड़ी सी टेंशन होती थी इस वजह से। थोड़ी सी बुक खोल ले सर, हम शरीफ लोग हैं। ठीक है जी सर, बेड टू बेड में बैठने में कंफर्टेबल लोग तो आपको ले ना, बिल्कुल नेक लोग हैं। अच्छा जी सर, ये चारों सी आर तो बहुत ज्यादा नेक है। अच्छा ये बताएं कि ये कितना छठा वीक है या सातवां वीक है? छठा, छठा वीक है सर, ये सातवां लग रहा है मुझे तो, मेरे ख्याल में सातवां है शायद। तो ये कब हो रहे हैं एग्जाम? मिड एग्जाम, ये नेक्स्ट मंडे को। नहीं नेक्स्ट मंडे को मिड एग्जाम है, 12 तारीख को है ना? नो सर, सर वो जो कैलेंडर है ना सर, वो जो कैलेंडर है उसके हिसाब से 12 को ही है, लेकिन अभी तक तो कोई डेट शीट वगैरह आई नहीं है सर। यही तो मसला, एकदम से अचानक से ना आ जाए ना, पता ही नहीं चलता सर। पिछली दफा भी नहीं हुए थे टाइम पे सर, पिछली दफा भी आके मुझे लगता है ये सेमेस्टर ऐसा ही गुजरेगा, ये तो अब जो है काफी हालात अब फिर खराब हो गए हैं तो। यस सर, ऐसा कैलेंडर बनाते ही नहीं जो फॉलो। नहीं नहीं कैलेंडर के अलावा अभी यूनिवर्सिटी तो मुश्किल ही अब ओपन हो, ये तो कम से कम आपका सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही चलेगा सारा सर। लेकिन जैसे आपको मतलब ये नहीं पता है कि क्या है डिसीजन, तो आपको आप पता लग रहा है सर। हां चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, सही बात है। तो ये भी पेपर सेम ही होंगे, उसी तरह होंगे और क्या। अब ज्यादा से ज्यादा हमारे कब के उधर ही पड़े हैं हॉस्टल में, वो पेपर आप लोगों के मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस कराया, वो सॉफ्टवेयर कोई सही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, वो फ्रेंडली यूजर नहीं है, कोई चीज उसमें आप ऐड कर दें तो वो डिलीट नहीं होती, डिलीट करेंगे तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपने मसलन एक क्विज के मार्क्स हैं तो वो कहीं रिजल्ट्स में पड़े हुए हैं उधर से भी डिलीट करेंगे, कहीं और पड़े हुए हैं उधर से, वो तो फिर वो डिलीट, वो अजीब सा है उसका। तो अभी तक वो ऑनलाइन पोर्टल है सर, मतलब वो अगर बन जाता है तो फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स रिजल्ट मतलब है, फिर वो जिस दिन अनाउंस होगा आप ऑटोमेटिकली आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीजें।
सर ये कब तक अनाउंस होगा फिर देखिए सैप सैप नाम की होती है सर यार आप लोगों ने क्या करना है रिजल्ट को यस सर कुछ भी नहीं करना सर, अम्मी पूछते रहते हैं ना कि कब आएगा रिजल्ट तो फिर ऐसे वो शक करते हैं इसे जान के नहीं बताना चाह रहे हैं नहीं कह रहे सर वो वलीद की सर वो वलीद की अभी पूछ रही यस सर तो आगे देखते हैं हम चलें शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है देखें प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो कहता है इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स एक आपने एक्सपेरिमेंट किया रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसकी कोई आउटकम्स आ गई उसकी कोई सैंपल स्पेस बन गई मतलब जितनी भी उसकी आउटकम्स आएंगी हैं सारी एंड इफ एम आउट ऑफ दीज आउटकम्स आर कंसीडर्ड फेवरेबल टू द अक्रेंस ऑफ ए सर्टन इवेंट ए आप जो इसमें से जो कोई एम ऐसी आउटकम्स हैं जो फेवरेबल हैं ठीक है तो प्रोबेबिलिटी जो है हम जो डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी पी से इसने डिनोट किया हुआ है और एक ए जो है वो इवेंट है इवेंट जो होगा उसमें फेवरेबल आउटकम होंगी मेरी बात समझ आ रही है इवेंट में क्या होंगी आपके पास कोई फेवरेबल आउटकम होंगी तो इसको वो कहता है कि इट इज द रेशियो एम बाय एन एम क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसकी समझ आई है या नहीं सर मतलब इवेंट ओवर सैंपल स्पेस होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में जितनी आउटकम्स होंगी एन और जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगी वो किस तरह के इवेंट्स की आप आउट देखना चाह रहे हैं किस तरह के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मसलन मैं एक फेयर कॉइन को टॉस करता हूं आपके पास सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगी हेड और टेल आएगा हेड और टेल अच्छा अब मैं एक इवेंट बनाता हूं मैं कहता हूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो अब आपके पास जो इवेंट बनेगा सुने ना इवेंट जो आपके पास बनेगा अब इस केस में फेवरेबल ये आपकी फेवरेबल आप फेवर कर रहे हैं हेड को कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो इवेंट जो बनेगा उसमें जो आउटकम्स आएंगी उसमें क्या आएगा हेड आएगा तो अब आप मुझे बताएं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है फिर बन जाएंगी वन बन जाएगी सर वन और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है आपके पास टू है सर टू तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी हेड की वन बाई टू सर आप हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है अच्छा इसी तरह अगर आपके पास सैंपल स्पेस है और आप कहते हैं टेल तो अब आपने जो इवेंट डिफाइन किया है दूसरा इवेंट वो उसको आप कह रहे हैं टेल मैं पूछता हूं कि टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है अब आपके पास टेल भी जो है वो उसमें 1 है 1/2 तो 0.5 तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप एक रियल नंबर डिफाइन कर रहे हैं किसी इवेंट्स के अगेन फेवरेबल इवेंट्स के अगेन आप क्या डिफाइन कर रहे हैं एक उसको नंबर असाइन कर रहे हैं ठीक है जैसे 0.5 तो आप देखें हेड की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 0.5 है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक मैंने डाइस जो है वो थ्रो किया हुआ है तो मैं कहता हूं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 इसी तरह 2 आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ठीक है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इन सब की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है 1/6 है अच्छा 1/6 अब मैं दूसरा इवेंट डिफाइन करता हूं कि
एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट क्या हो वन हेड, तो आपके पास सैंपल मतलब है कि आपने दो फेयर कॉइन टॉस किए हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी? हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल बनेंगी सर चार। अच्छा ये मुझे बताएं कि एक मिनट में ये निकाल लूं। कहाँ पे गया? हाँ ये एग्जांपल जो ऊपर हमने देखी थी, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अच्छा अब आपके पास ये टू फेयर कॉइन्स आपने टॉस किए हैं तो आपकी जो आउटकम्स आएंगी वो हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अब आप मुझे ये बताएं कि आप चाहते हैं एक इवेंट ऐसा डिफाइन करेंगे कि आप चाहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि जिसमें एटलीस्ट वन हेड हो, तो सैंपल जो इवेंट बनेगा उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आ जाएंगी? थ्री आएंगी सर। थ्री आएंगी तो में आप, तो सर सॉरी इवेंट में सैंपल स्पेस में तो चार है, तो एटलीस्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है व्हेन टॉसिंग टू फेयर कॉइंस? जी 3/4 सर। और मैं कहता हूं कि एटलीस्ट वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 3/4 है और नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? वो 1/4 1/4 आएगी। ठीक है जी, तो ये इस तरह से जो है वो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये फॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, ये फिर आगे किसने कॉम्प्लिकेटेड लिमिट्स की फॉर्म में भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ये देखें वो एक्सपेरिमेंटर के नाम लिखे हुए, नंबर ऑफ टाइम्स 40 टाइम्स वो एक फेयर कॉइन को टॉस करता है हेड, इतनी दफा ऑब्टेन हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये वो बता रहा है। नेक्स्ट है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के तीन एक्सियम्स हैं, इसके तीन यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, प्रिंसिपल्स हैं। पहला कहता है फॉर एनी इवेंट आई प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड 0 and 1 इज आल्सो इंक्लूडेड। अभी आपने इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने एग्जांपल्स दी है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आपने अभी कैलकुलेट की है तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी सारी क्या आई है, 1 से less आई है और 0 से क्या आई है, ग्रेटर आई है। जैसे आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली है सारी, तो अब क्वेश्चन सिर्फ ये रह गया है कि 0 and 1 प्रोबेबिलिटी कब आ सकती है, 1 probability कब आ सकती है? सर इवेंट भी सेम हो आउटकम ही सेम हो, अगर इवेंट इटसेल्फ जो है वो सैंपल स्पेस होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? 1 और 0 probability कब होगी? अगर आपके पास इवेंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी, 0 divided by आउटकम्स जितनी सैंपल स्पेस में जितनी एंट्रीज हैं मतलब वो 6 है तो 0/6, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट होता है हम कहते हैं। जैसे अगर एक डाइस को आप जो है वो रोल करते हैं तो मैं कहता हूं कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपके पास जो है वो जो इवेंट बनेगा उसमें कौन सी एंट्री आएगी? कोई भी नहीं आएगी, एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। बात समझ आ गई? ये पहला एग्जीम की जो डेफिनेशन है। तो
प्रोबेबिलिटी जो है वन से ग्रेटर कभी भी नहीं होगी और जीरो और वन के बिटवीन लाया करेगी किसी भी इवेंट की. अगर वन से ग्रेटर हो रही है तो फिर समझो गलत है, आप कहीं कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर रहे हैं. ऊपर टेबल देख लें, जितने भी टेबल देंगे वो रेशियो जितनी भी निकाल रहा है प्रोबेबिलिटी की 0.5, 0.5, 0 और ये सारा, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो किसी भी इवेंट की, जीरो और वन के दरमियान होगी. फिर दूसरा एक्सियम है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज वन फॉर श्योर इवेंट. अगर जो है वो सारी आउटकम्स आप जो है उसमें देख रहे हैं, सैंपल स्पेस इटसेल्फ जो है वो इवेंट के तौर पर एक्ट करता है, ऐसा इवेंट आप डिफाइन करते हैं तो फिर उसके इसमें प्रोबेबिलिटी वन होगी. और अगर आप जो है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आप दोनों की ए की या दूसरे की ए और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप यूनियन यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है जी. तो ये है मेरे पास कुछ इसके एग्जियम. लेकिन इस पे कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अगर ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे तो फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टाइम आगे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. फिर डेफिनेशन आगे आएगी तो मैं बताऊंगा. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए है अगर आप प्रोबेबिलिटी ए और बी की फाइंड आउट करना चाहते हैं. वो आगे वो नहीं को एक्सप्लेन कर रहा है कि जीरो और एम बाय एन, तो एम जो है वो लेस होता है, एन ग्रेटर होता है, तो ये जीरो और जीरो से ग्रेटर आएगी, ठीक है. वो सर ये दूसरा जो एक्सियम था वो उसकी जरा कोई एग्जांपल दे देना सर कि मतलब प्रोबेबिलिटी वन ही मुकम्मल कैसे आ सकती है. प्रोबेबिलिटी वन ही कैसे आ सकती है, वो उस सूरत में आएगी ना कि आपको वो कहता है कि आप जो है वो जिसे आप फेयर कॉइन टॉस करते हैं, थ्रो करते हैं, सॉरी डाइस एक थ्रो करते हैं, ठीक है, तो आप सैंपल स्पेस ऐसी डिफाइन करें जिसमें आपके पास इवेंट पूरा सैंपल स्पेस के तौर पे आ जाए, ठीक है. इवेंट जो है एग्जांपल आगे आएंगी सर, इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि एक बॉक्स में अगर 10 ब्लैक बॉल्स हैं और हम रेंडमली कोई भी बॉल निकालते हैं तो वो ब्लैक होनी चाहिए, तो ये इसकी वन ही आएगी क्योंकि सारी हैं ही ब्लैक, सारी हैं ही ब्लैक. बिल्कुल ठीक एग्जांपल आपने दिए, ये बॉल्स की और ये सारी एग्जांपल आगे आएंगी. तो ये थ्योरी प्रोबेबिलिटी इस तरह से है थोड़ी सी. आगे वो कहता है इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज अ रेड कार्ड, कार्ड इज अ डायमंड कार्ड एंड कार्ड इज अ 10. तो डेक ऑफ कार्ड होता है उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. इसका मैकेनिज्म भी जरा देखें, इसमें ब्लैक कितने होते हैं, रेड कितने होते हैं सारे, और इसमें और भी वो जो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जरा इसको देखें ना. तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड इसमें होते हैं, ठीक है. तो 26 बाय 52 तो ये 1/2 आएगी. तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड कार्ड इज डायमंड 1/2, रेड तो 26 है, 13 इसमें डायमंड होते हैं और 13 दूसरे हैं, तो फिर डायमंड रेड इसका मतलब 13 कार्ड पर रह जाएंगे, तो 13/52. और 10 की प्रोबेबिलिटी, तो 4 ऐसे कार्ड हैं जिसमें 10 लिखा होता है, तो ये 4/52 तो 1/13 आ जाएगी. तो ये है A fair coin is tossed 3 times. What is the probability that at least one head appears? तो ये देखें sample space आपके पास क्या बनेगी, ठीक है.
हेड 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 टेल हेड टेल हेड. तो ये वो जो जिस तरह आपने नहीं लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले आप जो है हेड हेड टेल और हेड टेल का लें, फिर जो आपके पास ऑप्शन आएगा उसको आप ले लेंगे हेड टेल से. तो ये हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड. तो कोई भी एंट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए सेट में, सेट की प्रॉपर्टी होती है ये. वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स. तो वन हेड अपीयर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, कितने ऐसे इवेंट कौन सा बनेगा. एक ऐसी एंट्री है टेल टेल टेल, ठीक है. तो इसमें जो है तीन इवेंट है जिसमें हेड अकेला आ रहा है. एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स. तो सेवन आएंगे, सेवन आएंगे ना, सेवन बाय एट. ये देखे ना, सेवन और एट आएगा सर, सेवन बाय एट आएगा, ठीक है. अच्छा ये बताएं, एक और तरीके से भी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. ये बताएं कि इसमें जिसमें हेड नहीं आ रहा वो कितनी एंट्रीज हैं. एक ही है सर जिसमें टेल 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 टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. वन बाय एट है सर, वन बाय एट, वन बाय एट है. Yes, sir. और सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है. वन होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो वन में से अगर मैं वन माइनस एट कर दूं उसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल दूं टेल वाली प्रोबेबिलिटी को, तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो एड की रह जाएगी. इस तरह भी आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप निकाले ना कि जिसमें नॉट अपीयरिंग हेड, probability of event in which head is not appearing, तो वो basically उसकी 1 by 8 होगी. So thus the probability of event appearing at least one head, तो 1 minus 1 by 8 करेंगे तो वो भी 7 by 8 आ जाएगा. ये बात समझ आई. Yes sir. Yes sir. अच्छा आगे एक example देखें. A two fair dice are thrown. What is the probability of getting a double six, a sum of eight or more dots? तो सबसे पहले तो एक अगर आप dice को throw करें तो इसमें आ जाती हैं आपके पास. एक dice को throw करें तो इसकी जो आपके पास sample space बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसी का आप Cartesian product ले लें 1, 2, 3, क्योंकि टू फेयर काइंस को आप थ्रो कर रहे हैं ना, ठीक है. तो क्या बनेगी इसकी सैंपल स्पेस, 6 × 6 = 6, 36 एलिमेंट बनेंगे, ठीक हो गया. तो यस सर, ये सारी सैंपल स्पेस उसने बना ली है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1. कहता है a double six. तो डबल सिक्स आपको पता है वैसे भी अगर आप रफली भी देखें तो एक ही ऐसी इवेंट होगा, ये फेवरेबल है. अब डबल सिक्स ये फेवरेबल इवेंट है आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं. तो एक ही इसमें ऐसी एंट्री है और टोटल नंबर ऑफ एंट्री 36 है. तो डबल सिक्स इवेंट जो सबसे पहले आप इवेंट डिफाइन करेंगे ए, और ए जो है वो डबल सिक्स आने का इवेंट है तो एक ही एंट्री आएगी. तो अब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6. नेक्स्ट जो है वो इवेंट डिफाइन करे, कहता है अ सम ऑफ 8 आर मोर डॉट. मतलब है कि आपने वो एंट्रीज लिखनी है कि जिनका सम 8 हो या 8 से क्या हो, आर मोर डॉट्स, ठीक है. 8 या 8 से क्या हो, ज्यादा हो. तो पहले देखें 6, 2 लिखी है उसने, 1 by 1 आप सबको देखेंगे, 1, 1 नहीं आएगा, 1, 2 नहीं आएगा, 1, 3 नहीं आएगा, 1, 5 आएगा, 1, 6 आएगा, नहीं 8 है, सॉरी
तो 16 भी नहीं आएगा, 21 22 23 28 आएगा पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखा हुआ 6253443526 6354436। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बी जो इवेंट है इसमें कितनी एंट्रीज बनी है? 15 बन गई सर। 15, तो 15 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एंट्रीज कितनी थी? 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 5/12। और ये वन से लेस ही आएगी हमेशा। मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, तो इस तरह से जो है ये आप प्रोबेबिलिटी को हम देखेंगे। इसकी अटेंडेंस कैसी लेनी है यार, एक मिनट जरा मैं देखूं पहले। सर सर, पाकिस्तान सर ये रोल नंबर 82 कह रहा है कि उसका कोई नेट इशू है, वो घर से एरिया में रहता है तो उसकी अटेंडेंस वगैरह भी ठीक है। फिर क्या रोल नंबर है? 82। अच्छा 82, ठीक है मैं अटेंडेंस लेता हूं। थैंक यू सर। यस सर, मेरे पास भी आया मैसेज। क्या? ये मेरी अटेंडेंस लगवा देना। चलो ठीक है, तो ठीक है जी, काफी आज के लिए इतना। यस सर। यस सर। यस सर। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सर, चलो मैं नोट्स अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं अभी अपलोड करता हूँ, अभी मेरा लैपटॉप भी कनेक्ट हो गया है तो मैं करता हूँ। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी सर आपने भी।